ये जो फॉरेन एक्सचेंजेस का लोचा किया है गवर्नमेंट ने कि इनके रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, जीएसटी देना पड़ेगा, तो बायबिट के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, इसलिए ब्लॉक नहीं है वो अभी, और MEXC भी नहीं है, लेकिन आगे जाके ब्लॉक हो सकता है। इसीलिए एक्सचेंजेस में जाके खरीदो और डायरेक्ट विड्रॉ करो, तो ही क्योंकि तुम एक्सचेंज पे रखेगा और सरकार ने ब्लॉक किया तो लोचा हो जाएगा विड्रॉल का, तो इमीडिएट खरीदो, विड्रॉ करो। और बुल रन में बेचने का तकलीफ होगा, MEXC में पीयर टू पीयर नहीं है, मतलब उधर इंडियन वेंडर्स नहीं है, बाइनेंस पे है, कुकॉइन पे है, लेकिन बाइनेंस कभी चलता है कभी नहीं चलता है। अभी वो जब बेचने का रहेगा तभी का सिनारियो क्या है उस पर डिपेंड करेगा, और कैश आउट ये बुल रन बड़ा आएगा, और ये टेंसर टाओ आई एम वेरी बुलिश ऑन इट, तो लाइक टाओ कलेक्ट करो, जमा करो टाओ, और मेरे हिसाब से $1,00,000 जाएगा, अभी देखते हैं कितना जाएगा, क्योंकि ये टाओ टोकन के बारे में ज़्यादा लोग को मालूम नहीं है, सिर्फ जो AI में है उनको मालूम है, और AI और क्रिप्टो में है उनको मालूम है प्रोजेक्ट का पोटेंशियल, इसीलिए ज़्यादा मेनस्ट्रीम क्रिप्टो करेंसी यूट्यूबर ने उसके बारे में बात नहीं की है और लोगों को पता ही नहीं है, और मेन मतलब बाइनेंस पे भी अभी तक लिस्ट होने गए, तो आपको प्राइस उसका बढ़ेगा, कितना जाएगा वो बोल नहीं सकते, बट ऐसे अंदाजे लगते हैं कि इतना जाएगा उतना जाएगा। तो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा उसमें तुमको तो पता ही है, पर कैश लगेगा, आदमी के पास पैसा लगेगा तो वो फाइट बैक कर सकता है, और मेन मतलब ये जो सरकार का मिस इन्फॉर्मेशन है, ये जो दल्ले भड़वे, इनका मिस इन्फॉर्मेशन और पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है, उसके बारे में अवेयरनेस लोगों में चाहिए, क्योंकि कंसेंसस उनको 50% लोगों का मिल गया, 50-70% लोगों का, तो रूल लागू होंगे, और वो भी सब झूठ बोल के। अभी लोगों को बताना पड़ेगा अवेयरनेस कि ये जो टोचन घुसाया है वो वीडियो गेम खेल के, अभी एक्चुअली ये मेन पॉइंट बोलने का कैसा है यूट्यूब पे, वो मतलब दो AI है, प्रोटीन फोल्डिंग और अनफोल्डिंग का इशू है, एक बीमारी लाएगा एक बीमारी ठीक करेगा, और ऐसा वीडियो गेम खेला जा रहा है, तो जो बीमारी लाने वाला AI है वो नया बीमारी लाता है, फिर जो बीमारी ठीक करने वाला AI है वो ठीक कर देता है, और फिर ये लोग बटन दबाएंगे टोचन बनेगा, ऐसा है ड्रग, ऑटोमेटिक ड्रग डिस्कवरी ऐसा है। बट ये किस अजम्पशन पे है, प्रोटीन अनफोल्डिंग ठीक से नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि विराट कोहली है, कैसे है, DNA में है, तो बीमारी किधर है, DNA में, तो ये अजम्पशन पे वीडियो गेम खेला जा रहा है, और
एक बीमारी लाएगा, एक बीमारी ठीक करेगा। ऐसा करोड़ों बार करके करोड़ों बीमारी और उसका इलाज पहले से ही है, ऐसा है कंसेप्ट। बट दैट बीमारी, दैट विराट कोहली डजन एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड, ये मेन पॉइंट है। तो ये लोग जो बोलते हैं नया वीरू आया, नया वीरू खतरनाक है, खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, वो किस बेस पे बोलते हैं? वो वीडियो गेम में वो खतरनाक विराट कोहली है, और फिर मीडिया में वाह 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 वो चालू हो जाता है, फिर इधर के पपेट पॉलिटिशियन वाह 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 विराट कोहली आया, विराट कोहली आया, वीडियो गेम में आया है चूतिया, रियल में नहीं है। और बीमारी का इलाज भी वीडियो गेम में हुआ है, रियलिटी में नहीं है। तो ये मेन पॉइंट पब्लिक को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि ये लोग बोल रहे हैं बीमारी आया है, पर किधर आया है? वीडियो गेम में आया है। एआई का स्टफ अभी इनको बीमारी के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, तो इनके बायोलॉजिकल मॉडल्स आर एक्सट्रीमली बेस्ड ऑन वेरी वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग। दे आर गोइंग टू फेल, और उसके साथ दे आर गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ तबाही, क्योंकि मॉडल्स बराबर झूठे गलत इंफॉर्मेशन पे बनाए हैं। लेकिन सरकार ये थोपेगी क्योंकि एजेंट्स है, तो ऐसा होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कि, पर पहला तो पैसा कमा के रखना चाहिए इन केस वो काम में आएगा, और ये 2-3 साल में ही कुछ ऐसा सिनारियो बदलेगा कि लाइक इट विल बी अनरिकॉग्नाइजेबल, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा होगा।